नमस्कार, स्वागत है आपका मगर न्यूज राजस्थान पर। मैं हूँ सिंधु की आवाज़। तो चले डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर नजर। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले कराना होगा KYC। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इस रिपोर्ट के बाद काफी हंगामा हुआ था। वही सरकार जल्द ही संसद सत्र की मौजूदा सत्र में नया विधेयक पेश करने वाली है, जिसके बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है। इस बिल के पास होने पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को पहले KYC नो योर कस्टमर कराना होगा। इनके लिए इन कंपनियों को अपने यहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। वही वेरिफिकेशन को कंपनियों को पब्लिक को भी दिखाना भी पड़ेगा, जैसे ट्विटर में होता है। रियल्टर्स रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स अपनी KYC करानी होगी। इसके लिए वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स दे सकेंगे, जिससे सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी अकाउंट्स को हटाने और उनकी जानकारी मिलने में सरकार को मदद मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए थानों में अब बनेगी महिला हेल्प डेस्क। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला की सहायता डेस्क की स्थापना, सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह योजना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास के सहयोग से सभी स्थानों में महिला सहायता डेस्क एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। राज्यसभा ने दी कॉर्पोरेट टैक्स बिल की मंजूरी। लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में जानकारी दी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना, खनन का काम करना और किताबों में छपने का काम करना लोअर टैक्स ब्रैकेट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हिस्सा नहीं माना जाएगा। गुरुवार को राज्यसभा में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई नई उत्पादन कंपनी 15% रेट के हिसाब से जरूरतों को पूरा नहीं करती है तो उन्हें 22% टैक्स ब्रैकेट में जाने का विकल्प दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार नई रिफॉर्म करती रहेगी। झारखंड विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम थम गया। दूसरे चरण में होने वाली 20 विधानसभा सीटों में से नक्सली प्रभावित क्षेत्र आता है। मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं नुक्कड़ नाटक का सहयोग लिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण की 7 सितंबर को 20 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान के लिए गुरुवार दोपहर को 3 बजे चुनाव प्रचार का शो थम गया। 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर सकेंगे। बचाव के आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार किया और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दूसरे चरण में होने वाली 20 विधानसभा सीटों में नक्सली प्रभावित क्षेत्र आता है। इन निर्वाचन क्षेत्र में कई मतदान केंद्र दूरदराज और अति नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में है। देश का बहुचर्चित PNB घोटाला में आरोपी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित। प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से 2 अरब अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभावी में आया था और इसका मामा मेहुल चौकसी PNB फर्जीवाड़े मामले में मुख्य आरोपी है। मामला गारंटी पत्र जारी करने पर कथित धोखाधड़ी से जुड़े, जिसकी वजह से सरकारी बैंक को 2 अरब अमेरिकी डॉलर से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। नीरव को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।